अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको पीवीसी पाइप से शेड बनाना सिखाऊंगा। और ये शेड आप छत के ऊपर बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, और छोटी सी जगह पर ये कहीं भी बन जाएगा। पीवीसी पाइप से शेड और कम कॉस्ट में बेहतरीन शेड बन जाएगा। आपने अगर फ्री फार्मिंग करनी है, फ्री फार्मिंग के लिए तो ये बेस्ट है। अगर आपने छत पर रखने हैं मुर्गी तो भी उसके लिए बेस्ट है, आपकी कम कॉस्ट लगेगी। आप एग्जांपल एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहे हैं कि देसी मुर्गी रखे, देखें कि क्या इसमें प्रॉफिट आता है। लोग कहते हैं कि इसमें नुकसान हो जाता है, सब मुर्गी मर जाती, बीमारी आती जब सब को लेकर चली जाती हैं। तो उसका मेन वजह ये है कि लोगों के जो शेड वगैरह उनमें जो बीमारी आती है वो ज़्यादातर इसलिए आती है कि वो कंक्रीट और ईंटों से बने होते हैं। उसमें जब कोई जरासीम आता है तो उसके अंदर रह जाता है, तो अगर वैक्सीन भी कर लिया जाए तो ईंटों और कंक्रीट के अंदर जरासीम जो रह जाता है तो फिर जब नया फ्लॉक डालते हैं तो उसमें वो जो जरासीम रह गया होता है दोबारा रीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि पीवीसी पाइप से शेड बनाया जाए, जहाँ इस तरह ओपन शेड बनाया जाए आयरन से, ईंटों और कंक्रीट से शेड ना बनाया जाए। अगर बनाया जाए तो उसका प्रॉपर एक तरीकाकार है, उसके अगर हिसाब से चलें तो हमारे बहुत एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाएंगे और हम इतने एक्सपेंसिव अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जो छोटे फार्मर हैं ना उनके लिए ये बेस्ट है कि वो इस तरह से फार्मर जो ये शेड मैंने आपको दिखाया इस तरह से बनाए, जहाँ फिर पीवीसी पाइप से बनाया जहाँ। और इसके काफ़ी डिज़ाइन है, अगर आप गूगल करेंगे नेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मॉडर्न फार्मिंग में जब लोग आप फार्मिंग कर रहे हैं तो इसी तरीके से शेड बना रहे हैं। और आपको ये मैं बताता हूँ कि किस तरह से बनाना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप किस जगह पर बना रहे हैं ना, जिस जगह पर वो चीज़ जगह लेवल पानी का उसका लेवल नीचे ना हो, मतलब बारिश आए तो पानी शेड के अंदर ना चला जाए, जिससे आपका बर्ड डेड हो सकता है। इसमें तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो मर जाएगा और उसे बीमारी लगने के लिए ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए आप जब भी शेड बनाएं तो आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो जगह है ना वो ऊँची हो, पानी का बहाव किसी और तरह से निकल जाए। अगर नहीं हो सकता तो फिर इस तरह आपने नीचे से इसकी बुनियाद जो है ना वो ऊंची रखनी है, 1-2 फीट, के बारिश का पानी ज़्यादा भी आए तो खड़ा भी हो जाए साइडों पर अंदर ना जाए। और ये बुनियाद होगी और आप अंदर चलते हैं, अंदर से मैं आपको बताता हूँ इसकी बाकी चीज़ें। तो सबसे पहले आपने अगर पीवीसी पाइप से लेना बनाना है तो सबसे पहले ये पीवीसी पाइप लगाना पड़ेगा। और जब आप बुनियाद रख रहे हों इस तरह तो आपको ये 2 इंच का ये पाइप मिलेगा होल के लिए, ये पाइप इसके अंदर चला जाए और ये मिनिमम 6 इंच इसके अंदर हो, तो आप इसके अंदर ये 6 इंच इसके अंदर हो और ये पाइप इसके अंदर डाल दिया जाए। और ये बाद में इस तरह भी जो मर्जी कर लें ये बाहर नहीं निकलेगा, ऊपर से वजन आ जाता है तो फिर इसके अंदर ही रहता है। तो इस तरह से आप इसको बाइंड करेंगे तो उस होल के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से आपने तरतीब से लगाते जाना है और इसके जो अंदर स्पेस है एक पाइप के दूसरे पाइप की तरफ तो वो आपने 20 इंच 2 फुट इस तरह रख सकते हैं आप। 2 फुट इसके ठीक है, 2 फुट से ज़्यादा अभी नहीं रखना तो फिर इसका ये नीचे से लिफ्ट ना हो जाए, नीचे बैठ ना जाए शायद। तो ये जाली है इसके ऊपर और ये जाली आपने देखना है कि अच्छी वाली जाली लगा लेनी है कि आपके कुछ 4-5 सीज़न निकाल जाए, 4-5 सीज़न मतलब कुछ 4-5 साल निकाल जाए आपके। तो आपको ये बार बार चेंज करनी नहीं पड़ेगी, इसके पास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बार बार आप तंग नहीं होंगे। और अगर ये आपने इसके ऊपर लगानी है, इसके दो है आइडिया क्या, मतलब 2 तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। एक इसके ऊपर बांस लगा सकते हैं, बांस थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर ये लगानी है तो इसके लगाने का भी ये एक तरीका है कि आप अगर द्वार के साथ बना रहे हैं तो द्वार के पास साथ, मैंने तो इसलिए बनाया कि मेरे पास थोड़ा बजट कम था तो इसलिए मैंने द्वार यूज़ की। और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर चूना वगैरह किया है कि वो जरासीम वगैरह ना, वही मसला ईंट और कंक्रीट वाला, कि जरासीम इसके अंदर ना रह जाए। इससे मैं बार बार जब भी फ्लॉक चेंज करता हूँ तो इसे मैं वाइट, ये चूना होता है वाइट कलर, इसे मैं करता हूँ, इससे ये जरासीम जो है ना वो मर जाते हैं। और ये आपको लगाने के लिए इसके ऊपर यू बनाना पड़ेगा और इसको आप द्वार पर लगा दें और ये इसके ऊपर लग जाएगी। और जो उस पाइप है वो आप इसके ऊपर लगाएंगे तो इसके ऊपर एक इसे होल्ड करने के लिए क्लिप मिलता है, तो ये पीवीसी पाइप के ऊपर सारे ऊपर लग जाएगा। इससे पाइप आपका ना उस तरफ जाएगा ज़्यादा ना इस तरफ जाएगा, ये इसके ऊपर ही
बाइंड हो जाएगा, उसके ऊपर लॉक हो जाएगा कि इसके ऊपर से आगे पीछे नहीं होगा। और इस तरह से आप ये सारे पाइप तरतीब से लगा लें। और ये अगर आप दोनों तरफ से आपकी दीवार नहीं है आपके पास, तो आप इस तरह से ये जो सा ये बना हुआ है दरवाजे के लिए चौखट बनी हुई है, फ्रेम बना हुआ, तो आप उस तरफ भी फ्रेम बना लें, थोड़ा सा छोटा बना लें। अगर आपके पास उस तरफ दीवार नहीं है, दीवार ना ही लगाएं तो अच्छा है, इससे वो बीमारी आने का कम खर्चा होगा, वो जरासीम जो रहते हैं उसके अंदर रहने का कम खर्चा होगा शेड के अंदर। तो इस तरह आप एक छोटा सा फ्रेम बना के इस तरह लंबाई में ये इसके ऊपर जो आप लार लगाएंगे तो या बांस लगाएंगे तो उसके ऊपर रख लें। और जैसे इसके ऊपर होल्ड किया है वो आप कारीगर को बुला लिए क्या, तो वो आपको लगा देगा। अगर आप बाहर से जाली लगाएं तो इस तरह से इसके ऊपर गोला लगा के, ये लकड़ी की एक छोटा सा है ये लगा के इसके ऊपर जाली लगा के ऊपर कील लगा दें, या फिर ड्रिल मशीन से इसे ड्रिल करके लगा दें, और ये कहीं नहीं जाएगी। ये देखें, ये बहुत फिक्स हुई पड़ी है। और ये वाटर प्रूफ, इसके ऊपर तरपाल है ये डाल दीजिएगा, इससे पानी का एक कतरा भी नहीं अंदर जाएगा। और ये इस तरह ही हो जाएगी कि छत डली हुई है, लेंटर डला हुआ है आपका। और ये इतनी मोटाई में है इसके, आप सर्दियों में ये इसके जीन्स का ये कपड़ा है, और ये इतना पावरफुल है कि इसके अंदर हीट मतलब कंट्रोल रहता है टेम्परेचर, जो बर्ड के लिए टेम्परेचर एक मखसूस है ना, तो उससे ये बर्ड इसके अंदर उसे सर्दी वगैरह का कोई मसला नहीं होता। और ये इसकी लंबाई 10x16 है, और आप अगर बनाना चाहते हैं तो बना लें। ये 150 बर्ड के लिए है, और आपका 30,000 के आसपास इसके कॉस्ट है। मेरा तो 30,000 आया था, तो आप देख लीजिएगा आपका कितना आएगा, वो पाकिस्तानी रुपीस 30,000 पाकिस्तानी। और बस इसके लिए इतना ही। ओके, अल्लाह।